रजौली क्षेत्र के समीप पड़ते थे, जिसे 8 किलोमीटर दूरिया पड़ता था। वहीं पर मैं हमारा स्कूल भी था और वहीं हम प्राइवेट ट्यूशन भी लेते थे। ट्यूशन और स्कूल दोनों करना हमारे लिए संभव नहीं था सर, क्योंकि साइकिल से जाते थे, जाने आने में भी टाइम लग जाता था और ट्यूशन में भी टाइम लगता, फिर स्कूल पर ध्यान नहीं देते थे, कुछ घर में भी पढ़ना होता है, तो इसलिए हम प्राइवेट ट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान दिए थे। हमारे पास ज़मीन तो बहुत थे, लेकिन पिताजी के निधन के उपरांत ही सारे ज़मीन रखा गया था, लेकिन कुछ ही ज़मीन बचा जिससे हमारा खेती बाड़ी करके सब्जी उगाती है और वही घर में बेचते हैं। अच्छा, कभी कभार हमें भी सब्जी बेचने का मौका मिलता था, लेकिन सर हमको बहुत ख्याल रखता है, इसलिए हम मौका भाग करके अच्छा बेचा कर देते हैं। खेती मजदूरी करके पढ़ाए हैं, सब्जी बेच बेच के हम जुटाए हैं, कभी पैसा की कमी। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम एक ऐसे प्रतिभा से परिचय करा रहे हैं जिनके पिता नहीं हैं, माँ मजदूरी और सब्जी बेचकर पढ़ाई करवा रहे हैं, और इन्होंने माँ के मेहनत को बड़ा ही मान दिया है और इंटर साइंस की परीक्षा में 468 अंक लाकर बिहार में 5वें स्थान पर रहा है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिवदयाल ने इसे कैसे हासिल किया है, तो थोड़ा परिचय बताइए पहले। मेरा नाम शिवदयाल कुमार है, मैं हाई स्कूल रजौली का एक छात्र हूँ, रजौली क्षेत्र गरीबा गांव का निवासी हूँ। मेरे पिता श्री का नाम स्वर्गीय अमिताभ प्रसाद है और माता श्री का नाम श्रीमती सुमंती देवी है। हमारे 4 बहन हैं और 2 भाई हैं। हमारे भाई बहन ने हमें परीक्षा में पढ़ाई परीक्षा की तैयारी में कोई भी कष्ट नहीं होने दिया। हमारे काम के अलावा हमारे काम की जगह पे वो खुद कर लेते थे, बशर्ते काम जितना भी हो हमें पढ़ाई के समय उसे कोई काम नहीं दिया करते थे। मुझे घर से बहुत छूट मिला था, मैं अपने परिवार को इस मामले को देख कर भी सोचा था कि काश अगर आ जाए तो मेरा परिवार मुझसे खुश होते। तैयारी आप कैसे किए? तैयारी सर हम रजौली क्षेत्र के समीप पढ़ते थे, जिसे 8 किलोमीटर दूरिया पड़ता था। वहीं पर मैं हमारा स्कूल भी था और वहीं हम प्राइवेट ट्यूशन भी लेते थे। ट्यूशन और स्कूल दोनों करना हमारे लिए संभव नहीं था सर, क्योंकि साइकिल से जाते थे, जाने आने में भी टाइम लग जाता था और ट्यूशन में भी टाइम लगता, फिर स्कूल पर ध्यान नहीं देते थे, कुछ घर में भी पढ़ना होता है, तो इसलिए हम प्राइवेट ट्यूशन पर ज़्यादा ध्यान दिए थे। और बाकी घर पर हम कुछ स्टूडेंट का हमारे दोस्तों के सेल्फ स्टडी का एक समय दिया था, कुछ सेल्फ स्टडी भी करते थे और कुछ खुद से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दिया। क्या ग्रुप बनाए हुए थे या मैंने ग्रुप क्या था ग्रुप बना हुआ था? ग्रुप भी बनाए थे सर, लेकिन ग्रुप में ज़्यादा देरी नहीं चल पाए, उसमें ज़्यादा समय लगता था, इसलिए वो सब बंद कर दिया गया। फालतू नजर आया था बाद में, इसलिए वो बंद कर देंगे। खुद से ग्रुप नहीं बनाए, खुद से पढ़ाई करने का। तो कैसे करते थे, कितना समय लेते थे पढ़ाई के लिए? हम अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग टाइम दिया करते थे, एक साथ हम सब सब्जेक्ट नहीं लेते थे, ज़्यादा करके हम मैथ को ज़्यादा ही सॉल्व करते थे, उसके बाद फिजिक्स से। अच्छा, इन लोग दो सब्जेक्ट हमको ज़्यादा रुचि लगती थी। बाद में हमें इंग्लिश पर इंग्लिश जब बोलने का बात आई तो वो हमें इंग्लिश ज़्यादा आकर्षित कर दिया सर। अच्छा, कि हमें भी लगा कि हम भी शायद इंग्लिश बोल सकते हैं, तो हम इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर देंगे। अच्छा जी, तो इंग्लिश ठीक हो गया? जी, इंग्लिश मैक्सिमम ठीक हो गया सर। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि अब हमें एयरफोर्स में अगर जाना चाहते हैं तो हम सक्सेस हो सकते हैं सर। अच्छा, अरे तो कोरोना का भी तो समय था इधर, तो कोरोना काल में आप जैसे फिजिकल तो क्लासेस बंद था, तो कैसे मदद लिए, कैसे तैयारी की? कोरोना से पहले हम 4 ट्यूशन करते थे रजौली में सर, अलग 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 सब्जेक्ट अलग अलग सर कर जाते थे सर। और कोरोना काल में हम ऑनलाइन क्लास भी एक कोर्स लिए थे विक्रम सिन्हा केमिस्ट्री का, और बाकी डाउनलोड वीडियो एसएस मनी और साइंस संग्रह का देखते थे। अच्छा, और कोरोना के बाद फिर हम वही ऑफलाइन क्लास में चले गए ट्यूशन, प्राइवेट ट्यूशन। स्कूल कम जा पाते थे? जी, स्कूल कम नहीं जा पाते, अगर कोई काम पड़ता थे तो हम टीचर से संपर्क करते थे और वहाँ पे पढ़ा देते। अच्छा, पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी कैसी थी? पारिवारिक पृष्ठभूमि कहें तो हमारी पढ़ाई में माँ का भरपूर सहयोग मिला था। हमारे पास ज़मीन तो बहुत थे, लेकिन पिताजी के निधन के उपरांत ही सारे ज़मीन रखा गया था, लेकिन कुछ ही ज़मीन बचा जिससे हमारा खेती बाड़ी करके सब्जी उगाती है और वही घर में बेचते हैं। अच्छा, कभी कभार हमें भी सब्जी बेचने का मौका मिलता था, लेकिन सर
हमको बहुत ख्याल लगता है इसलिए हम मुंह कान ढक करके अच्छा बेचा कर देते हैं। अच्छा मुंह कान ढक के सब्जी बेचते थे? जी हमारे टीचर भी हमसे कई बार सब्जी खरीदे थे सर। अच्छा जी तो अच्छा है ना, मैंने माँ के काम में सहयोग आप भी करते थे? जी करते थे। आपको लगता होगा कि हम क्या सब्जी बेचे? लगता है सर, ऐसा लगता है कि एक हम है जो हमारी माँ इसे करते हैं, हमारे लिए ही करते हैं। हम सोचे कि हम अपने एक जल्दी सा जॉब लेकर के हम अपने घर की स्थिति सुधार लें ताकि अगला बार हमारी माँ को इतना कष्ट ना हो। सब्जी बेचना बहुत कष्ट होता है सर, वहाँ पे धूप में बैठा रहना, हर जगह एक तरह के समझे तो एकदम आर्थिक स्थिति ठीक। वो आपको भी अच्छा नहीं लगता कि माँ मेरी सब्जी बेचे? जी हमको अच्छा नहीं लगता, हम वो भी इसलिए अच्छा नहीं लगता सर कि हम ट्यूशन में औसत स्टूडेंट नहीं थे, हमारा कोई ज़्यादा मन करता मिलता था ट्यूशन में और सर से, अगर सब्जी बेचते हमें कोई देख लेता तो हमारे सोचते कि हमारा सारा मन करता घट जाते, इसलिए हम मकान ढाक कर बेचते। अच्छा जी क्या करना चाहते हैं बाबा? आगे हम एयरफोर्स में जाना चाहते हैं सर, एयरफोर्स के में हमें काफ़ी रुचि भी लग रही है सर, सोच रहे हैं कि जल्दी जाओ इसमें जानते हैं इतना जाने सर कि इंग्लिश थोड़ा पूछा जाता है तो हमें लग भी रहा है कि हम इंग्लिश में सक्सेस हो जाएंगे सर। अच्छा भाई बहन में आप छोटे बड़े हैं क्या है? सबसे छोटे हैं। अच्छा और बाकी लोग का क्या है, शादी उदी बहन वन का हो गया? तीन बहन का शादी हुआ है और एक भाई का। अच्छा एक बहन बाकी है। एक बहन और आप बाकी? जी। अच्छा चलिए बहुत अच्छा रहा और हमारी भी शुभकामना है कि आप आगे बढ़िए और कुछ अवसर बनिए तो फिर हम लोग को दोबारा बात करने का अवसर मिले। जी सर प्रयास में लगे रहेंगे सर। थैंक यू। थैंक्स। खेती मजदूरी करके पढ़ाए हैं, सब्जी बेच बेच के हम जुटाए हैं, कभी पैसा की कमी वो भी दिया तो आज नहीं दिया बेटा कल देंगे, पैसों के मेहनत करवाए हैं, कहे कहाँ बिना मर्द की औरत है, कभी भी हमको इंद्रावास के कुछ नहीं प्राप्त हुआ है, कहे मर बेटा तुम्हारे के बाद यही भी दवा पेंशन मिला है, यही 2 साल 3 साल में कितना हुआ? 3 साल 3 साल मजदूरी करके बच्चे लिखों को पढ़ाए हैं।